बारह बारह चौदह चौदह मंत्री महाराज कुंवर महारानी सब लग गए। कोई सब्जी बना रहा है, कोई चूल्हे के पास खाना बना रहा है, कोई जूते पहन के चूल्हे के पास है, कोई जूते उतार के चूल्हे के पास है। सब बातें पता है या नहीं है? है ना? ये क्यों है? क्योंकि ये मैं भाषण नहीं देना चाहता, आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूं। राव यादव सिंह जी का मैं, ये मेरे हीरो हो गए, मैं इनका एक तरह से फॉलोअर हो गया। क्यों हो गया? मुझे भरोसा नहीं था कि ज्योतिराय सिंधिया जी के सामने इतनी बहादुरी से, ये जिस दिन पहली बार आए और कहा भैया आप किसी और को चुनाव लड़ाओ तो भी मैं मंजूर, और मुझे अवसर दोगे तो तख्ता पलट के बताऊंगा मैं। और पूरे टाइम ये एहसास रहा कि अभी बीजेपी का काम चल रहा है लंबा चौड़ा, गड्ढे के गड्ढे में कुछ बोल दूंगा तो बाहर कर देंगे, रोज करते मेरे खिलाफ। तो अति धन बल, पद बल, सरकार बल, सबका प्रभाव डाला है, सबने डाला है, सबने समझा है। पर जैसे पिताजी थे वैसा बेटा है। इनके पिताजी के देखा नहीं मैं कभी, मिला नहीं देशराज जी, स्वर्गीय देशराज जी यादव जी के, पर खूब सुना कि लोगों के हित और अधिकार से कोई के लिए कोई समझौता नहीं करते थे। यही उनको भी दबाते थे, दबाते थे, चमकाते थे, दस तरह के विधानसभा में सवाल उठाते थे, पूरे परिवार को यातना देते थे। उन यातनाओं का बदला लेना है कि नहीं लेना है? बात इतनी है कि मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा, बातें करूंगा। अरे आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी राज्यसभा से सांसद थे, लोकसभा से सांसद और राज्यसभा से सांसद के अधिकारों में कोई अंतर नहीं था। अभी चार साल बचे हैं, क्या गलती सी की केपी यादव जी ने? बीजेपी के थे भले, पर क्या गलती थी? क्या गलती थी? अमित शाह जी कह गए मैं ध्यान रखूंगा, टिकट में तो ध्यान रखा नहीं और अब ध्यान रखेंगे। अरे आप ये बताओ कि जब आप लोकसभा राज्यसभा से मंत्री थे तो एक दूसरा आपके परिवार का लोकसभा से सांसद चला जाता, गरीब आदमी, स्थानीय आदमी, तो ज्योतिराय सिंधिया छोटे होते क्या? छोटे होते क्या? बड़प्पन दिखता, बड़प्पन हो तो दिखे ना। अरे आप कितने साल से यह सांसद है, इसी बार डिफीट खाई थी आपने, आपने उस डिफीट के चक्कर में प्रदेश का भविष्य बिगाड़ दिया, सरकार गिरा दी। आपने कहा था मैं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ इसलिए मैंने सरकार गिरा दी, मुझे कहा रोड पे आ जाओ तो मैं रोड पे आ गया। आपने कहा था अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के लिए रोड पे आऊंगा, क्या अतिथि शिक्षक हो गए, परमानेंट हो गए, अतिथि विद्वान हो गए? 70,000 अतिथि शिक्षक निकाल दिए सिंधिया जी, अलग से एक शब्द तो बोलो इसी सरकार ने चार दिन पहले। मैं जितने अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान पूरे प्रदेश में है, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो लग जाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ। ये मील का पत्थर, ये जो अब की बार 29 भी नहीं हो रही है, 29 तो बहुत दूर की बात है, याद रखना। अरे सिंधिया जी आप अगर इतने साल से यहाँ विकास, सिंधिया जी का एक मूल वचन मेरी राजनीति विकास है, मैं विकास से कोई समझौता नहीं करता और विकास से अलावा सिंधिया परिवार का कोई नाता नहीं है। मुझे छोटी और ऊंची बात पसंद नहीं, सिर्फ विकास ही पसंद है। अच्छा कॉलेज होगा अशोकनगर में, अच्छा स्कूल होगा, अरे अच्छा हॉस्पिटल होगा, पूरे संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग लगा, अशोकनगर से ट्रेन तो इंदौर जाती होगी, जाती थी बंद होगी। अरे आपने कहा कि विकास से मेरा नाता है, तो पास में राजगढ़ है, वहां पे 25 उद्योग होंगे छोटे बड़े, यहाँ क्यों नहीं है? मेरे पास 5 बजे का समय है, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, पर
अभी 3 दिन पहले मैंने देखा एक वीडियो, एक कोई योद्धा था, कहां का था मुझे नहीं पता, वो कहता है सिंधिया जी आपके आदमियों ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मुझे 1 करोड़ रुपए देना पड़े। उन्होंने कहा क्या मैं था क्या यार, मेरे को तो आप लोगों ने मना कर दिया था, 5 साल तो और कोई था, और कौन कौन था, आपकी सरकार थी, आपका प्रदेश की सरकार थी, आपकी देश की सरकार थी, आप राज्यसभा के मेंबर थे, आप प्रदेश की देश की सरकार के मंत्री थे, इसके अलावा कोई अमेरिका का बदलाना था क्या आपको बचाने के लिए? अरे उस बच्चे के लिए जरा तालियां बजाओ जिसने उसकी बहादुरी से बात की। अरे भूमाफिया पनपे क्यों, और वो भूमाफिया आपके आसपास क्यों, वो अभी आपका प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप भूमाफिया से आगे बचा देंगे तो फिर अभी तक जो यातनाएं होगी उसके लिए सजा किसको? आप ही को मिलेगी ना, बीजेपी को ही मिलेगी ना, आपके लोगों को ही मिलेगी, सही है कि गलत? नहीं। अभी राहुल गांधी जी को ये कहते हैं शहजादे, कहते हैं याद है कैसा है शहजादा, मतलब सब कहते हैं उनके लिए क्रिटिसिज्म बीजेपी करती है, जो गरीबों से मिलता है, किसानों से मिलता है, कारपेंटर से मिलता है, 1-2 हजार की टी शर्ट में 4 हजार किलोमीटर पैदल चलता है, हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के टारगेट पे रहता है वो शहजादा। और जो 15 लाख का सूट पहनता है, जो विदेशों में केवल घूमने फिरने में रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो केवल अडानी जी से मिलते हैं, अंबानी जी से मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, हीरो हीरोइनों के साथ फोटो पिक्चर करवाते हैं, एंकर जो टीवी के जितने भी है उनके साथ फोटो पिक्चर कराते हैं, कभी भी आम आदमी और गरीब आदमी के साथ मोदी जी नहीं दिखते, वो फकीर, और जो केवल गरीबों के साथ रहता है वो शहजादा। ये है नरेंद्र मोदी की नीति। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ, स्थानीय प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी, ये सब हमारे राव भैया ने बोला, ये आपका बेटा है, इनके पिताजी नहीं है, इनने अपने पूरे जीवन की सारी पूंजी राव में लगाई। अगर अशोक नगर के परिवार के लोग, अगर हमारे संसदीय क्षेत्र गुना के सभी परिवार के लोग इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सांसद रहेंगे, ये इनका सब कुछ बिगड़ जाएगा, आप रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद करते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी का तांडव किस कदर चल रहा है। अभी बहस क्या है, लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण बचाने की, अभी बहस है मीडिया की स्वतंत्रता बचाने, आपके वोट के अधिकार को बचाने, ये देश में इस तरह की बहस 70 साल बाद देख लो। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो ज्योतिराज सिंधिया को पसंद करते, आपके बच्चे के भविष्य को देखो, सिंधिया जी सांसद है और रहेंगे, 4-5 साल राज्यसभा फिर चले जाएंगे, उनके पास इतना अधिकार है, बड़े आदमी, पर राव यादव सिंह सांसद बनेगा तो ही आपकी सेवा होगी, इसका भविष्य बचेगा, याद रखेगा। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस की जितने वो रक्षा पुरानी बीजेपी है वो भी काम पे लगी है, याद रख लेना, अपने आप चल रहा भारत माता की। और जो पुरानी पेंशन है ओपीएस, उसको जैसे पहले लागू करनी थी वैसे ही कांग्रेस करेगी, भारत माता की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल गुना संसदीय सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव के लिए बड़ी आम सभा की। इस दौरान जीतू पटवारी ने सिंधिया पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए कई सवाल पूछे। उन्होंने सिंधिया पर अपनी ही पार्टी के केपी यादव पर भी टिकट नहीं दिलाए जाने का आरोप लगाया। नगर के तुलसी पार्क में कांग्रेस की विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने एवं लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील करने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे। यहां उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। खुले मंच से जीतू पटवारी ने सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सांसद थे, लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों में कोई अंतर नहीं होता, उनके कार्यकाल के 4 साल बचे हैं, केपी बीजेपी में थे, लेकिन क्या गलती थी उनकी? अमित शाह उनसे कह गए कि मैं ध्यान रखूंगा, अरे टिकट में तो ध्यान रखा नहीं, अब क्या ध्यान रखेंगे? सिंधिया जी आप राज्यसभा से मंत्री थे, दूसरा आपके परिवार से लोकसभा में चला जाता तो क्या सिंधिया जी छोटे हो जाते, जबकि उनका बड़पन ही दिखता, सिंधिया जी में बड़पन होता तो दिखाई देता। 70,000 अतिथि शिक्षक निकाल दिए गए, लेकिन सिंधिया जी के हलक से एक शब्द तक नहीं निकला।
चार दिन पहले ही अतिथियों को हटाने की कार्रवाई की गई है। पटवारी ने एक वीडियो को लेकर सिंधिया पर तंज कसते हुए आरोप लगाए कि तीन दिन पहले ही एक वीडियो मैंने देखा है, कहाँ का है मुझे मालूम नहीं। कुछ लोग सिंधिया से कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़े। जिस पर सिंधिया बोले, कहा कि मैं यहाँ नहीं था, मुझे तो आपने चुना नहीं था, 5 साल तो और कोई था। अरे मैं सवाल करता हूँ कि आखिर यह भूमाफिया पनपे ही क्यों? बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 2 चरणों में मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान अब 7 मई को होगा। इस लोकसभा चुनाव में सिंधिया परिवार पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके दिग्गज नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। वैसे आप इस सीट से किसे जिता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पॉलिटिकल हब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।